हेलो फ्रेंड्स, चलिए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आपकी जो है क्लास हो रही है डेली आपकी, शाम को 7 बजे, रात में 8 बजे, फिर इसके बाद 9 बजे, इस तरह से आपकी तो इस तरह से आपकी जो है क्लास हो रही है डेली, ठीक है। और इसके पहले कल परसों 2 दिन में हमने जितना भी अभी तक मॉडल पेपर करवाए हैं, सारे मॉडल पेपर के आपके रिवीजन भी करवा दिए थे। मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं हमने, चाहे वो न्यू हो चाहे वो ओल्ड हो, न्यू प्लस ओल्ड दोनों ही आपको हमने सारे क्वेश्चंस रिवीजन करवा दिए हैं, और उम्मीद है सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। हाँ चलिए, तो एक बार बता देंगे, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़े हम। बताइए जल्दी से, फटाफट से, और क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी तक, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं क्लास से, ठीक है। हाँ आ जाइए जल्दी से, फटाफट से, शाबाश, वेरी गुड। काफी बच्चे उपस्थित हो रहे हैं और काफी लोग आते भी जा रहे हैं, शाबाश। आलोक साधना जी बोल रही हैं कि टीजीटी का एग्जाम कब है। देखिए, एग्जाम ही एग्जाम चल रहा है, बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि चलिए हाँ तो स्टार्ट करें ना। चलिए कुछ लोगों के नाम लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रेखा रानी, वीरजू, साधना, अंजना, एंजिल, साकेत, सूरज, अब्दुशमद, राजेश, तुषार, सुषमा, मोहित, रागनी। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ आराधना जी भी आ गई हैं, चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, 65 क्वेश्चंस आज भी हम देखेंगे, बाकी के बच्चे 125 में से कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए उन्हीं में से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और सभी लोगों को एक साथ आंसर करना है। बताइए, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जाना जाता है। लंदन, न्यूयॉर्क, कोलकाता, लखनऊ। करेंगे सभी लोग आंसर। 2 दिन में हमने पूरा रिवाइज करवा दिया है आप लोगों का, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। हाँ कपिल जी भी आ गए हैं, चलिए आ जाइए हेमा जी। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए कौन जाना जाता है फर्स्ट। बहुत अच्छा, आपसे क्वेश्चन किया गया था कि निम्नलिखित में से किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जाना जाता है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लंदन, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, लीनो कट प्रिंट मेकर चित्र प्रसाद का काल बताना है। बताइए चित्र प्रसाद का काल बताना है, टाइम पीरियड पूछा है इसमें, क्या होगा बताएंगे। ये 1915 लिख लेना, ठीक है। चलिए बताइए अब, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है 1915 से 1978, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यशोधर पंडित ने कामसूत्र किस नाम से टीका की व्याख्या की है, मतलब कामसूत्र की किस नाम से व्याख्या की है, बताइए। जयमंगला, रतिमंगला, शिल्परत्न, कलारत्न। वेरी गुड, ऑप्शन ए जयमंगला। आज के जो क्वेश्चंस है ना, बहुत ज्यादा इजी हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे लास्ट में, और स्कोर करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा
शाबाश, ऑप्शन ए नई दिल्ली में। आगे, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई। जहांगीर आर्ट गैलरी, शाबाश, कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पूछा गया है व्यंग्य चित्रकार कार्टूनिस्ट स्वर्गीय मारियो दी मिरांडा, इनको सन 2012 में एक पुरस्कार दिया जाता है, वो पुरस्कार का नाम पूछा है इधर पे। पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, बताएंगे सभी? वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा पद्म विभूषण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, शाबाश। दिया है ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? 1854, 2001, 1954, 2011। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पूछी है। सातवां, वेरी गुड, हाँ, कब? 1954 में। ठीक है, आगे। अमरनाथ और कश्मीर के चित्र ये किस चित्रकार ने बनाए हैं? नारायण, श्रीधर बेंद्रे, राम कुमार, भावेश चंद्र शान्याल, एस एच रजा। अमरनाथ और कश्मीर के चित्र, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छी रिप्लाई आ रही है आपकी, शाबाश, बिल्कुल आंसर क्या है? नारायण श्रीधर बेंद्रे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया है प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? सितारा देवी, हरि प्रसाद चौरसिया, शिव कुमार, बिस्मिल्ला खां। नौवा क्या होगा? बांसुरी वादक पूछे हैं। बिल्कुल, शाबाश, ये है हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, चलिए देखिए, सितारा देवी जो है ये कथक से हैं। ठीक है, शिव कुमार किससे हैं? संतूर से हैं। ठीक है, और बिस्मिल्ला खां किससे हैं? तो बिस्मिल्ला खां किससे हैं? शहनाई से हैं। ठीक है, बिस्मिल्ला खां शहनाई से हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय पूछा है आपसे। आज यहाँ पे जागरण हो रहा है तो बस गाने ही बज रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। ठीक है, हाँ, तो कहाँ है? अपने लखनऊ में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है, बताइए? त्रिमूर्ति, हाथी की मूर्ति, विष्णु मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। बहुत दिन से आप लोग टफ क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, इसलिए आज हम इजी क्वेश्चन लाए। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिमूर्ति। अगर इजी क्वेश्चन आएंगे ना तो ऐसे ही पूछे जाएंगे। लीजिए, अब आपका आपके टाइप का क्वेश्चन आ गया है, कलर्ड एकदम पूछा, ये तो पढ़ चुके हैं ना। चलिए एक बार फिर से बता दीजिए, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ पर है, बताइए सभी लोग, कहाँ पर है ये? शाबाश, तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, पढ़ चुके हैं। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 12वें नंबर का। पूछा गया है इसमें, धूली चित्र किसको कहते हैं? रंगों के चूर्ण से बने चित्र को, फूलों की पंखुड़ी से बने चित्र को, द्रव्य मिश्रित रंगों से बने चित्र को, लकड़ी के बुरादे से बने चित्र को। धूली चित्र, शाबाश, ऑप्शन ए, रंगों से चूर्ण से बने चित्रों को। ठीक है, आगे। नेक्स्ट है, सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? दो। चलिए, छह, आठ, दस। मैम आप 30 नंबर की तैयारी करवा दो। अच्छा, चलिए इसको बताइए, सिगरिया की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, छह। ठीक है, आगे। नेक्स्ट है, खजुराहो में कौन से धर्म से संबंधित मंदिर पाए गए हैं? शैव, वैष्णव, जैन, तीनों, बताइए। हाँ देखिए, एग्जाम के पहले हम एक मैराथन ले आएंगे,
तो पूरी आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको बताइए 14 को। बिल्कुल आंसर हो जाएगा तीनों, शैव वैष्णव जैव, ठीक है। आगे नेक्स्ट है विष्णु, लीजिए, विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया गया है? सहचरी, अलौकिकता, सहचर, वाहन के रूप में, बताइए। शाबाश, ऑप्शन ए सहचरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है पश्चिमी भारतीय शैली के चित्रों में मानवाकृतियों की बनावट कैसी होती है? गुड्डे गुड़ियों जैसी होती है, अलंकारिता होती है उसमें, जड़ी हुई एवं ऐठन युक्त लोक कला जैसी होती है, या प्रतीकात्मक होती है, बताइए कैसी होती है। पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में मानवाकृतियों की बनावट कैसी होती है? हाँ, आंसर हो जाएगा गुड्डे गुड्डियों जैसी होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जैन शैली के जो चित्र हैं उनके धरातल कैसे होते हैं? ताड़पत्रों के, ताड़पत्र में होते हैं, कागज, कपड़ा, तीनों माध्यम में, बताइए 17वें पे क्या होगा आंसर। जैन शैली के चित्रों का धरातल पूछा गया है आपसे, हाँ आंसर क्या होगा इसका 17 का? शाबाश, वेरी गुड, आल, बिल्कुल सरकारी ऑप्शन दिया है तो ऑल हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है 63 सलाका पुरुष चरित, इसके रचयिता कौन है? ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछे ही जाने वाले हैं एग्जाम में, इसलिए याद जरूर कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। अभी तक जितने करवाए हैं ना सभी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। बिल्कुल आंसर आ गया है हेमचंद्राचार्य आपका हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है लॉर्ड चंदा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो जाता है। लॉर्ड चंदा के लेखक कौन है ये पूछा गया है आपसे, मुल्ला दाऊद है, या फिर वात्स्यायन है, महावीर है, नागरी दास है, बताइए। लॉर्ड चंदा दे दे या फिर चंदायन दे दे, बिल्कुल तो मुल्ला दाऊद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मुद्रण कला में दो अक्षरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? लीडिंग, ट्रैकिंग, लेजिबिलिटी, या फिर कर्निंग बोलते हैं, बताइए। 20 नंबर पे आएंगे, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड। हाँ मुद्रण कला के दो अक्षरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, कर्निंग बोलते हैं, ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इसके ऑप्शन कट गए हैं, चलिए ठीक है हम ही बता देते हैं। चलिए इसमें पूछा गया है मथुरा संग्रहालय में प्रसिद्ध है परखम यक्ष, अब आपको बताना है ये कौन से वंश की है, बताइए किसी को पता है? ए नंबर लिख लीजिए यहां पर, मौर्य वंश, मौर्य काल, ठीक है। अब बताइए क्या होगा आंसर, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलिए ठीक है आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा मौर्य वंश, ठीक है, शाबाश, सभी के आंसर बढ़िया आ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया है ये बताना है 22 नंबर पे, चलिए वेरी गुड, हाँ हम यही देख रहे थे कि बिना देखे बताते हो कि नहीं। हाँ यहाँ पूछा गया है ये इट्रक्शन कला थी, एक सेकेंड यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, हम लिख देते हैं इट्रक्शन कला का संबंध किससे है, बताइए। यूनान से है, प्राचीन मिस्र से है, या प्राचीन रोम से है, या प्राचीन चीन से है, बताइए। 22 नंबर क्या होगा आंसर, बिल्कुल वेरी गुड। हाँ तो किससे है ये, सभी लोग करेंगे आंसर, तो ये है प्राचीन रोम से है, कहाँ से है इसका संबंध, प्राचीन रोम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है आपसे भारतीय रुपए के प्राचीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है, बताइए। उदय कुमार है, पंकज कुमार, गौतम साफ है, या फिर डॉक्टर राजा है, 23 नंबर पे आएंगे।
तो कौन है वो? बिल्कुल डॉक्टर उदय कुमार हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1556 में, 1450 में, 1630 में, 1665 में? 24, बताइए। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पूछी है आपसे और क्या होगा आंसर? वेरी गुड, 1556 में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पोथी चित्रण का प्रारंभ जो है वो कौन सी शैली में माना जाता है? पाल, जैन, मुगल, राजपूत? 25, हाँ आपके पड़ोस में बारात जा रही है और हमारे पड़ोस में जागरण हो रहा है, सेम सेम। चलिए आ जाइए 25 नंबर पे आइए, बिल्कुल आंसर होगा आपका पाल, पाल शैली, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है पटुआ चित्र ये कहाँ से संबंधित है बताइए? 26 नंबर, ये काली घाट लिखा है, आज की टाइपिंग बहुत मिस्टेक मिलेगी, थोड़ा सा मिल भी रही है। क्या होगा आंसर? सभी को मालूम है पटुआ चित्र, तो काली घाट हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है सांची और भरहुत ये किस काल में बने हैं बताइए? गुप्त, कुषाण, शुंग, मौर्य? 27 नंबर, सांची और भरहुत पूछा है आपसे, तो क्या होगा? बहुत अच्छा आंसर आया है, शुंग काल हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है तीजन बाई किस रूप में फेमस है बताइए? पांडवानी नृत्य के लिए है और या फिर पॉप सिंगर है या फिर चित्रकार है या अभिनेत्री है बताइए? छत्तीसगढ़ में जो डांस होता है ना पांडवानी, उसके लिए फेमस है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, तीजन बाई। आगे ठीक है, नेक्स्ट है गढ़ी कला केंद्र संबंधित है भारत कला भवन, भारत भवन, सांस्कृतिक केंद्र, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से? 29 बताएंगे। आज सबके सब हैं कहाँ भाई? हाँ आ जाइए जल्दी से, सभी को लेके आइए फटाफट से। चलिए ऑप्शन डी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, ठीक है। आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य विज्ञापन कार्य आउटडोर एडवर्टाइजिंग का रूप नहीं है? बिलबोर्ड, बस शेल्टर, इंग्लर, कियोस्क? 30 नंबर, क्या होगा? यहीं पर है, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा चलिए, आज कौन सी तारीख है? हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, मतलब 12 फरवरी से ही गायब होने स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। चलिए बिल्कुल आंसर होगा इंग्लैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइए देश लिखा है ये, इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस? अभी व्यंजनावाद का जन्म कौन से देश में होता है? 31 नंबर पे आएंगे। चलिए आंसर होगा आपका क्या? जर्मनी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, ब्रॉक का प्रथम घनवादी चित्र कौन सा था? निर्वस्त्र आकृति, द स्टाइल, पंखा लिए स्त्री, सूर्य का रथ? हाँ बताइए क्या होगा? प्रथम घनवादी चित्र पूछा है आपसे, 32। आ जाइए, चलो बिल्कुल आंसर होगा आपका निर्वस्त्र आकृति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सर्वोच्चवाद का प्रमुख कलाकार कौन था? जोआन ग्रीस था, या फिर मालेविच, या वॉन्डर लेक, कार्लो कोरा? बताइए। 33 नंबर पे आएंगे, सर्वोच्चवाद का प्रमुख कलाकार कौन है? चलिए वेरी गुड, काजिमीर मालेविच हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, मानक ब्रॉन्ज में मात्रा पूछ ली गई है इसमें, ठीक है। बताइए, मेन चीज आपकी सही लिखी है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, इस ऑप्शन को ही हटा दीजिए। हाँ आ जाइए, अरे पढ़ लो भाई, पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है। हाँ 34, मतलब हमारी क्लास के बच्चे इतने मतलब स्टाइलिश हैं, इतने एडवांस टाइप के हैं कि पहले से बता देते हैं कि मैम हम इस दिन गायब रहेंगे, पहले से बता के जाते हैं, पूरी फुल ईमानदारी रहती है,
सभी लोग बता देते हैं पहले से कि मैम हम 14 फरवरी को गायब रहेंगे, तो रहेंगे, अब पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। हाँ क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए, 90% तांबा होगा, 7% टिन हो जाएगा और 3% जस्ता। इस तरह से इसका मापन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, चिदम्बरम के नटराज मंदिर में भरतनाट्यम शैली पर आधारित नृत्य कलाओं की कितनी मुद्राएं होती हैं? बताइए। 102 होती है, 4, 6, 8। भरतनाट्यम शैली पर आधारित पूछी है इसने, बताना है आपको। बिल्कुल, बहुत अच्छा, शाबाश, आंसर होगा 108, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, और ये कोटेशन जो है ना बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रूसो, हीगल, क्रोचे, हर्बर्ट रीड, रीड लिखा है ये, बताइए। 36 नंबर पे, वेरी गुड। तो क्या होगा? कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, बिल्कुल आंसर हो जाएगा हीगल। ठीक है, चलिए, हाँ, हमारी क्लास डेली चलेगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, नीला अश्वरोही ब्लू राइडर नामक संस्था का संस्थापक पूछा है, बताइए। नीला अश्वरोही कह दीजिए या ब्लू राइडर, इसका जो ये एक संस्था है, इसके संस्थापक पूछे हैं। कर्नेंस्की है, कोकोशका है, पॉलकली है, फ्रेंड्स मार्क है, क्या होगा? नौकरी के बिना ना कुछ नहीं है। 14 फरवरी नहीं, 18 फरवरी मना लो चाहे, बताओ। 37 नंबर पे, बिल्कुल आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये है कर्नेंस्की। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, नारी की आशा हत्या, मर्डर द होप ऑफ वुमेन नामक शीर्षक से पोस्टर चित्र 1909 ईस्वी में किसने बनाया? देख लीजिए, आपके टाइप का ही क्वेश्चन आ गया है, नारी की आशा हत्या। नारी की आशा क्या होती है? आपके पास नौकरी हो। आपके पास नौकरी नहीं होगी तो 14 फरवरी में छोकरी कहाँ से मिलेगी भाई? उसकी आशा की हत्या कर रहे हैं ना आप। अब बताइए, ये लिथोग्राफी चित्र है, 1909 में बनता है, बनाने वाले कौन है, ये पूछा है आपसे, बताइए। हाँ मैम, मेरा 18 फरवरी को बर्थडे है। हाँ शाबाश, हमें पता रहता है, कुछ भी वर्ड बोल दें, बस निकालना है मतलब। चलिए आते हैं आंसर की तरफ, ऑप्शन ए हो जाएगा, कोकोश का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है, कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष, बताइए ये चित्र किसका है? कर्नेंस्की का है, किशनर का है, मुंक, पॉलकली, बताएंगे आप लोग। कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीश, 39 नंबर, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, ये है पॉलकली, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। इटली की आधुनिक कला का जन्म कहाँ होता है? ये मतलब किससे होता है? इटली की आधुनिक कला का जन्म किससे होता है? भविष्यवाद, पुनर्जागरण से, घनवाद से, भाववाद से। 40, बताइए। बिल्कुल, क्या होगा आंसर? वेरी गुड, ऑप्शन ए हो जाएगा, भविष्यवाद से। ठीक है, आगे। भविष्यवाद का प्रणेता कौन है? बताइए, यहाँ प्रणेता होगा, बताइए। फिलिप्पो तोमासी, मारिनेती है, दुनशा है, मुकी मिस है, या ये जाने क्या लिखा है, आप इन ऊपर में ही बता दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। हाँ तो कौन है ये? फिलिप्पो तोमासी, ठीक है, मारिनेती। आगे नेक्स्ट है, भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? बताइए, ज्यामिति व ठोस रूप है, छाया व प्रकाश है, समयावच्छेद है, कला के लिए कला है, बताइए। 42, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, समयावच्छेद हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए, पूछा गया है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? भविष्यवाद, फिलिप्पो तोमासी, मारिनेती, ये मारिनेती लिखा है, ठीक है, आज थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि हमने नहीं बनाई है पीडीएफ इस वजह से। किरणवाद, मिखाइल लोरियानोव, सर्वोच्चवाद, काजिमीर मालेविच, या फिर देलाक्रा, बताइए क्या होगा? 43 का, वेरी गुड, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है, बाकी सब सही दिए हैं। आगे चलते हैं, दिया है टेपेस्ट्री क्या है? अलंकृत, एक सेकेंड,
चलिए, टेपेस्ट्री क्या है? अलंकृत, ये पर्दे है लिखा है, ठीक है, पर्दे हैं, अलंकृत युक्त टाट है, रेशमी पट्ट है, या फिर सफेद हो जाएगा आपका, अलंकृत पर्दे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, दिया है तंत्र के प्रणेता कौन है? तंत्र कला की बात हो रही है, केसीएस पणिक्कर है, जी आर संतोष है, जी स्वामीनाथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। कल से हम ही खुद से कर लेंगे पूरा, ठीक है, आज हम बिजी थे इस वजह से हमने आज पीडीएफ नहीं बना पाए हैं, ठीक है। बताइए 45 का, बिल्कुल आंसर आ गया है केसीएस पणिक्कर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, दिया है 46 नंबर पे, स्वास्तिक किसका प्रतीक है? मंगल कामना, सौंदर्य का, टोना टोटका का, भूत प्रेत का, स्वास्तिक। चलिए 46 किसका है? हाँ ये तो बिल्कुल बता देंगे आप लोग, मंगल कामना का, ठीक है। चलिए आगे, लिथोग्राफी से छापा चित्र निकाले जाते हैं, सतह उत्कीर्णन करके, सतह पर रेखांकन करके, सतह को उभार करके, या इनमें से। मैम ममता चतुर्वेदी, अच्छा ठीक है बना देंगे, ठीक है। चलिए इसको बताइए 47 नंबर पे, बिल्कुल आंसर हो जाएगा 47 पे, आइए फटाफट से। तो क्या हो गया इसका आंसर? 47 पे आइए, 47 पे फटाफट से, बहुत धीमा चलते हैं आप। अरे क्या होगा? सतह उत्कीर्णन करके, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट है, उत्कीर्णन विधि कौन सी नहीं है? एचिंग, कास्ट उत्कीर्णन, एक्वाटेंट, लिथोग्राफी, बताइए। चलिए शाबाश, आंसर हो जाएगा लिथोग्राफी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, स्टिल लाइफ पेंट, एक सेकेंड, लिथोग्राफी से छापा चित्र बोला है, देखो उसने छापा चित्र बोला था, वो दूसरा क्वेश्चन था जिसमें उत्कीर्णन किया जाता है, यहाँ पर छापा चित्र बोला है, इसमें रेखांकन करके, ठीक है, सतह पर रेखांकन किया जाता है, उससे होता है छापा चित्र निकाले जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 49 नंबर, स्टिल लाइफ पेंटिंग, स्थिर चित्रण, निर्जीव वस्तुओं का चित्रण, सजीव वस्तुओं का, कहानी चित्रण, या पुस्तक चित्रण, बताइए स्टिल लाइफ पेंटिंग। हाँ रेखांकन होगा सर, बिल्कुल इस पे आइए, स्टिल लाइफ, स्थिर लाइफ, स्थिर चित्रण बोला है, तो किसका होगा? निर्जीव वस्तुओं का हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, दिया है छेपांकन पद्धति है, ये क्या है? ये छेपांकन पद्धति है, बताइए। छापा कला, रेखांकित या रेखांकन है, मतलब रंगांकन है या रंगांकित बोल दीजिए, सभी, क्या होगा इसका आंसर 50 का? मतलब सब में पहुंच जाना, ठीक है, ये छापा कला है, ठीक है। स्टेंसिल, आप लोगों ने छोटे बच्चे जब मतलब जब आप लोग छोटे बच्चे रहे होंगे तो स्कूल में खूब किया होगा, वो जो आर्ट वाली बुक आती थी ना, उसमें वो आता था ऊपर बन के, तो उससे हम लोग स्टेंसिल करते थे, वही चीज। प्रेम संन्यास में राजा सुधीयन की भूमिका किसने निभाई है, बताइए। शाबाश, हाँ करवा देंगे, ठीक है मिशन जी, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए इसको बताइए 51 पे, चलिए अरे यार ये राजा सुधीयन नहीं है, राजा शुद्धोधन है लिखा है ये, ठीक है, शुद्धोधन है, वही हम कह रहे हैं शुद्धियन कौन आ गए, बताइए शुद्धोधन की भूमिका किसने निभाई है? तो ये किसने निभाई है? शारदा, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा, शारदा चरण उकील ने निभाई है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है आज बहुत। चलिए आगे है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या होता है? देख लीजिए सब उल्टा पुल्टा लिखा है, बताइए 52 नंबर। बिल्कुल, तो ये ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला है, ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी समझ जाइए, ठीक है।
चलिए आगे है, आदिम मानव की कला जो है वो किस युग से संबंधित है? जंगल, वैदिक, प्रागैतिहासिक, किससे होगी बताइए, इन्हीं में इसको हटा दीजिए, आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक, इससे ठीक है, हाँ पिटाई होगी जिसने भी लिखा है, ठीक है। पूछा गया है हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिलते हैं? हाथ के छापे की बात हुई है, बताइए 54 नंबर पे फटाफट से आएंगे। ये विंडहम है, ठीक है, ये सोहरो घाट है, और ये लखनिया दरी है, ठीक है, और ये विजयगढ़ है। चलिए 54 नंबर पे आ जाइए। बहुत गलती है आज भाई। तो कहाँ से? सोहरो घाट से लिखा है, ठीक है, सोहरो घाट से मिला है। आगे नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का संबंध कौन से काल से है बताइए? 55, ये आद्य ऐतिहासिक लिखा है, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल से है, ठीक है, ऑप्शन बी, भाव को समझिए लिखने वाले के, भाव को समझिए। लिखा है घूमती हुई तस्तरियां का सूजन सृजन है ये, घूमती हुई मतलब कि आज बिल्कुल से सीमा पार हो चुकी है लिखावट की, सृजन सॉरी घूमती हुई तस्तरियों का सृजन किसने किया है? पूर्वे दिलाकरा, ये चुनसा नहीं है, धुनशा है, गोगन। मतलब कि पूरी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। हाँ 56 नंबर पे क्या होगा आंसर? हाँ धुनशा ने, ठीक है, चलिए भाव समझिए, भाव कितना अच्छा लिखा गया है। नहीं वो बताएं, छोटा भाई है, उसको अभी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, हमने आज उससे कहा था देखो ऐसा ऐसा करना है, तो कहता ठीक है मैं कर दूंगा। उसी से गलतियां हो गई हैं, चलिए क्षमा करते हैं उसको, ठीक है। छोटा समझ के। चलिए आगे दिया है, एक्शन पेंटिंग्स के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? पॉल किली, जैक्सन पोलॉक, अब ये मार्ग रोगिया, ये क्या लिख दिया है भाई, इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको भी ये कोकोशका है लिखा है। चलिए क्या होगा, एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? तो कौन है? एक्शन, जैक्सन, याद किया था, जैक्सन पोलॉक हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ चलिए। कल के क्वेश्चन हम सही कर लेंगे, ठीक है, उसने कल के भी बना दिए हैं, उसको हम थोड़ा देख लेंगे। दिया है पॉप आर्ट का चित्रकार कौन है? रूसो, शागाल है, रुआर्ट है, या फिर एंडी वॉरहोल है, बताइए 58। हाँ बिल्कुल आंसर हो जाएगा एंडी वॉरहोल। हाँ देखो मतलब कि जो आंसर है ना वही उसने गलती की हुई है, चलिए बाकी उसने सही कर दिया, उसके लिए उसको शाबाशी भी देंगे, ठीक है। चलिए आगे 59, ऑफ कलर का प्रारंभ किसने किया है? कोकोशका, पिशारो, विक्टर वॉसरली, या फिर पिकासो। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईमानदारी से सही हुआ है, चलिए बताइए। हाँ ऑफ कलर की बात हो रही है 59, चलिए तो क्या है, विक्टर वॉसरली हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ज्यामिति कला के प्रणेता पूछे गए हैं कौन थे? मोंद्रियान, पिकासो, डॉली, पालगोन। 60 नंबर, हाँ नाम भी अजीब है ना इनके, इस वजह से। चलिए आ जाइए बिल्कुल आंसर पे आइए, ये हो जाएगा मोंद्रियान आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, पिक्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? चित्र होता है, चित्रलिपि, गद्य काव्य, इलस्ट्रेट, मेजर आर्ट। 61, तो क्या होगा आंसर इसका? चित्रलिपि, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अकादमिक कला क्या होती है बताइए, जिसमें नवीन और प्रयोगशाला का स्थान नहीं दिया जाता है, प्रयोगशीलता का स्थान नहीं दिया जाता है, या काल्पनिक चित्रण होता है,
अमूर्त चित्रण होता है या प्राचीन और अर्वाचीन का समागम होता है? 62, बताइए। बिल्कुल आंसर हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा है अग्रगामी रंग कौन सा है? लाल, पीला, नारंगी, सभी। 63, अग्रगामी रंग कौन सा है? शाबाश, वेरी गुड। आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है समीपस्थ रंग कौन सा नहीं है? पीला हरा, लाल नारंगी, पीला नारंगी, काला सफेद, बताएंगे। समीपस्थ रंग नहीं है बोला है इसमें, बिल्कुल। आंसर क्या होगा? काला और सफेद, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यूरोपीय कला का स्वर्ण युग कौन सा माना जाता है बताइए? बरोक कला, गोथिक कला, सॉरी बरोक काल, गोथिक काल, पुनरुत्थान काल, शास्त्रीय काल। यूरोपीय कला का स्वर्ण युग 65। बताएंगे सभी लोग। यूरोपीय कला का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? सभी लोग बताएंगे एक साथ, एक साथ करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग करेंगे एक साथ। यूरोपीय कला का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? चलिए आप लोगों के कमेंट्स ही बंद हो गए हैं, चल ही नहीं रहे। आ गया, शाबाश। तो किसको कहते हैं? बिल्कुल आंसर हो जाएगा गोथिक काल, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने 65 क्वेश्चंस देखे हैं ना, ये आपके हमने करवा दिए आज, ठीक है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स थी लेकिन समझ में आ गया है सब कुछ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो कल से होगा ना, कल वाले क्वेश्चंस हम थोड़ा देख लेंगे, उसकी भी पीडीएफ बन चुकी है। खैर एक बार और हम क्वेश्चंस से देख लेंगे पूरे, गलती तो नहीं हुई है उसमें, ठीक है। हाँ दिल भी उड़ा दो सभी लोग। हाँ सभी लोग उड़ा दीजिए, ठीक है। और आपको बता दें कि जो अभी शाम को, अभी जस्ट इसके बाद जो 8 बजे क्लास होनी है ना, जो अभी रात में 8 बजे क्लास होनी है, उसमें आपके जितने भी समकालीन और आधुनिक कलाकार हैं ना, जितने भी कलाकार हैं उनको पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। और इसके मतलब आधुनिक कलाकारों की एक क्लास हो भी चुकी है, जिसमें हमने शायद यामिनी राय, गगनेंद्र नाथ और अमीन नाथ, इन तीन लोगों को पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो उसको पढ़ लेना रात में 8 बजे, ठीक है। और आज हमारी दूसरी क्लास है आधुनिक कलाकारों की, तो उसमें जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए फिर उड़ा दे, हाँ दिल भी उड़ा दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैम पेपर कब होगा? बस समझ लीजिए पेपर ही चल रहे हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। क्योंकि जब पेपर होगा ना तब ना सोचने के लिए टाइम होगा, इतना भयंकर भड़बड़ाहट होती है ना एग्जाम के टाइम पर, आप खुद से सोचेंगे, ठीक है। इसलिए अभी से पढ़ते जाइएगा, हम बता रहे हैं आपको। चलिए ऑफ करते हैं अब, ठीक है।